इस एक्शन ने और हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो राहुल गांधी नहीं कर पाए वो हिडनबर्ग ने कर दिया, समूचा विपक्ष एकजुट हो गया कि नहीं निगम जी, आप भी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए देखिए, इसमें ये क्यों कर रहा है विपक्ष एक हो गया? अगर कोई बात गलत है तो हम अपनी बात कह रहे हैं, दूसरा अपनी बात कह रहा है, तीसरा अपनी बात कह रहा है, तो भाई गलत को गलत कहा जा रहा है? आप एपिल को एपिल नहीं बोलोगे ना, दूसरा आदमी क्या एपिल को ऑरेंज बोलेगा? मतलब आप लोग तो यही करते हैं। नहीं, आप लोग भी तो एप्पल और ऑरेंज को एप्पल, मेरे को बोलते हो कि एप्पल से कंपेयर कर दो। मेरे कहने का मतलब है कि जो कदम आज आपने उठाया अच्छी बात है, यही यही बात अगर संसद में पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री महोदय या गृहमंत्री महोदय बोल देते कि ठीक है जांच होगी, और जांच से क्यों घबरा रहे हो? दूसरों को तो आप लेते रहते हो, उसको पढ़ाते रहते हो, तो जांच से क्या घबराने की जरूरत है? नहीं होगा तो वही चीज रानी के ऊपर आप अपनी कमेंट कर देते तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। अब या आपको याद होगा चावला जी, एक तहलका कांड हुआ था, याद है आपको कभी पहले जी? हेलो, तहलका की स्टोरी, तहलका ने कुछ दिखाया था तो उसका क्या हो गया? अभी मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में किसी एक पत्रकार ने वो नमक लोटी वाला वो दिखाया था, जो है वो छापा था स्टोरी, तो उसको बन तो ये कहीं ना कहीं कोई भी हो, मैं बीबीसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं चौथे स्तंभ की बात कर रहा हूँ, ये हमला है। नहीं तारा ना, विषय विषय वही है ना, तारीफ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सवाल ये है कि अगर किसी को नोटिस भेजा जा रहा है उसका जवाब तो कोई देगा कि नहीं देगा? वो ठीक है, उससे उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो आप करें, लेकिन ये पीछे ऐसे देखा जा चुका है कि पत्रकारों के ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया है, पत्रकार जो निष्पक्ष अपनी बात रखते हैं कहीं ना कहीं से उनको प्रयास किया जा रहा है कि वो भी दबाव में काम कर रहे हैं, और ज्यादातर इस समय देख रहा हूँ जो संस्थान है वो दबाव में कहीं ना कहीं काम कर भी रहे हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। कम से कम चौथा स्तंभ है सही निष्पक्ष रूप से देश की बात जनता तक का आखिरी बैठे व्यक्ति के बात तक पहुंचाता है, लिखता है, तो ये निष्पक्षता तो कम से कम बरकरार रहनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। अगर ये भी हमारा चला गया तो फिर भाई इसीलिए तो इतने सारे चैनल बनाए गए।